आप देख रहे हैं हम न्यूज, मैं हूं मोहम्मद कामरान अब्बासी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। विफाकी वुजरा वजीर आजम चैंबर पहुंच गए हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ भी अपने चैंबर में मौजूद हैं। अता तारड़, मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक, अहमद सीमा वजीर आजम के चैंबर में मौजूद हैं। मौलाना से मुलाकात के बाद नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, आजम नजीर तारड़ भी पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं। विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा, आईनी तरामीम का मुसविदा मंजूरी के लिए विफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। अपडेट कर रहे हैं आपको, आपको बताते चलें कि विफाकी वुजरा वजीर आजम चैंबर पहुंच गए हैं, वजीर आजम शहबाज शरीफ भी अपने चैंबर में मौजूद हैं। अता तारड़, मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक, अहमद चीमा वजीर आजम के चैंबर में इस वक्त मौजूद हैं। साथ साथ एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ भी वजीर आजम के चैंबर में पहुंच गए हैं। मौलाना से मुलाकात के बाद नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, आजम नजीर तारड़ भी पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं। विफाकी काबीना का इजलास कुछ देर बाद होगा, आईनी तरामीम का मुसव्वदा मंजूरी के लिए विफाकी काबीना में पेश किया जाएगा। विफाकी वुजरा वजीर आजम चैंबर पहुंच गए हैं। और इससे पहले आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास भी कुछ देर जारी रहने के बाद मुलतवी कर दिए गए हैं। अब कौमी असम्बली का इजलास सुबह 11:30 बजे होगा, जबकि सेनेट का इजलास 12:30 बजे होगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ अपने चैम्बर में मौजूद हैं, उनके साथ अता तारड़, मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक, अहद चीमा और वजीर अहमद चीमा और वजीर आजम के चैम्बर में मौजूद हैं। एहसन इकबाल, ख्वाजा आसिफ भी वजीर आजम के चैम्बर में मौजूद हैं। मौलाना से मुलाकात के बाद नायब वजीर आजम इसहाक डार, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, आजम नजीर तारड़ भी पार्लियामेंट में पहुंच गए हैं। नुमाइंदा हम न्यूज एहसन वाहिद से ताजा तरीन सूरत हाल मालूम कर लेते हैं। एहसन वाहिद, इस वक्त आपके पास क्या अपडेट्स हैं? जी बिल्कुल, वफाकी काबीना का इजलास वजीर आजम के चैम्बर में ही बुला लिया गया है और अपने वजीर आजम महमूद शहबाज शरीफ अपने चैम्बर में पहुंच गए हैं। अब वफाकी गुजरा हुकूमत का सिलसिला भी जारी है, नायब वजीर आजम इसहाक डार भी वजीर आजम के चैम्बर में पहुंच गए हैं। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी, वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल वो भी उनके चैम्बर में पहुंच गए हैं। वफाकी गुजरा जो है अता तारड़, अहद चीमा, औरंगजेब, मोहम्मद औरंगजेब, मुसद्दिक मलिक वो भी जो है उनके चैम्बर में पहुंच गए हैं। और अब जो है वफाकी काबीना में जो आईनी तरमीम का मुसद्दा है उसकी मंजूरी दी जाएगी और इस वक्त जो है आधे घंटे का वक्फा किया गया था सेनेट इजलास में। वफाकी काबीना से आईनी तरमीम का मुसद्दा मंजूर होने के बाद जो है उसे फिर सेनेट में पेश किया जाएगा, इस हवाले से कोशिशें की जा रही हैं और तकरीबन आधे घंटे बाद जो है सेनेट का इजलास भी शुरू हो जाएगा। वफाकी काबीना का इजलास भी अब से थोड़ी देर बाद जो है वो शुरू हो जाएगा और वफाकी काबीना के इजलास की सदारत वजीर आजम महमूद शहबाज शरीफ करेंगे। वफाकी गुजरा भी वहां पर पहुंच गए हैं, नायब वजीर आजम इसहाक डार भी वहां पर मौजूद हैं। जी एहसन, नायब वजीर आजम और वजीर आजम के साथ साथ इस वक्त वजीर आजम के चैम्बर में और कौन कौन मौजूद है? जी बिल्कुल, वहां पर नायब वजीर आजम इसहाक डार मौजूद हैं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वहां पर मौजूद हैं, वजीर खारजा इसहाक डार हैं वो भी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा वजीर दफा ख्वाजा आसिफ वहां पर मौजूद हैं, वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब वहां पर मौजूद हैं, वजीर वफाकी वजीर मनसूबा बंदी एहसन इकबाल वहां पर मौजूद हैं, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा अता तारड़ वहां पर मौजूद हैं, आचीमा जो है वहां पर मौजूद हैं और मजीद जो वुजरा की जानिब से आमद का सिलसिला भी वज़ीर आज़म के चैम्बर की तरफ जारी है। जी और जो वुजरा एहसन बताइएगा मौलाना फजलुर रहमान से मिलने के लिए गए थे, वो क्या साहब वापस आ गए? जी बिल्कुल, मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर जो है मोहसिन नकवी, वजीर दाखिला, नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर कानून आजम नजीर तारड़ जो है मौलाना फजलुर रहमान साहब के घर गए थे। वहां पर आईनी तरमीम का जो मुसवदा है उस पर मजीद मशावरत की गई थी और इस हवाले से जितनी भी पेशरफ हुई थी उससे वजीर आजम पाकिस्तान महमूद शहबाज शरीफ को जो है वो आगाह किया गया था। आईनी तरमीम के हवाले से मौलाना साहब का क्या मौकफ है और मजीद क्या पेशरफ हुई है वो सारी सूरत हाल से आगाह किया गया था वजीर आजम को। उसके बाद जो है वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया था पार्लियामेंट में, वजीर आजम के चैम्बर में ही वफाकी काबीना का इजलास तलब किया गया था। उसमें अब वजीर आजम महमूद शहबाज शरीफ खुद अपने चैम्बर में पहुंच गए हैं और काबीना इजलास की सदारत करेंगे। मजीद वफाकी इजरा भी जो है वहाँ पर पहुंच गए हैं और इसहाक डार और मोहसिन नकवी जो मौलाना साहब के घर थे
वो भी वजीर आजम के चैम्बर में पहुंच गए हैं और वजीर कानून आजम नजीब तारड़ भी इस वक्त वजीर आजम के चैम्बर में पहुंच गए हैं। जी ऐसा ना, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाजरीन, आप इस वक्त वो मनाजिर देख सकते हैं जिस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। ये पार्लियामेंट हाउस की पार्किंग है जहां पर वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ अब से कुछ देर पहले पहुंचे थे और आइनी तरामीम की मंजूर के लिए वफाकी काबीना का इजलास वजीर आजम हाउस वजीर आजम के चैम्बर में ही होगा और इसी इजलास में शिरकत करने के लिए वजीर आजम पाकिस्तान पहुंचे हैं। वफाकी वजरा वजीर आजम चैम्बर पहुंच गए हैं साथ साथ, और आपको बताते चलें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ भी अपने चैम्बर में मौजूद हैं।